हेलो भाई साहब, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाई साहब, बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मोस्ट वेलकम, आप हमारे टेंट पे आए हो जी। है बाकी भीड़ भीड़ क्यों करा रखी इतनी? मेरे लगा आपके टेंट की वजह से पूरी मंडी डिस्टर्ब हो रही है। परमात्मा की कृपा जी, सच्चे पातशाह की बड़ी मेहर आ, संगत इतना प्यार दे रही है ना, संगत दे प्यार नाल ही आ। बाकी मेरे लगा कुछ भीड़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हो गई कुछ है, दादी की कृपा जी है ना। तो संभल पा रही है कि नहीं संभल पा रही है? जो साफ नीत ना आप, साफ मन ना आप, काम जेड़ा भी करते हैं ना, तो परमात्मा फिर कृपा करता ही है ना। दूजी गल भरावान का प्यार है सारे का। बाकी एक ही घोड़ा लेके आए हो? हाँ जी, एक ही घोड़ा लेके जी। शान, क्या नाम है इसका? शान। हाँ जी, शान को देखो कितना प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, मेरे लगा मंडी में सबसे ज्यादा भीड़ इधर ही दिख है। बादल साहब आए थे जब कह देते ना कि चार सिक्योरिटी गार्ड और अलॉट कर दो यार, थोड़ा देखो आप संगत चाहिए। पर मेरे लगे थोड़ा घोड़ा डिस्टर्ब हो जाता होगा, पर है ना? नहीं कोई नहीं, संगत दे प्यार जरूरी है। बाकी सर कौन है घोड़े का बाप? शान का ये तो बाप है जी, दिलशान। दिलशान शान का पोता है जी। और माँ की साइड से? माँ फूलमाला है जी, लीलन घोड़ी है, प्रकाश बिगाना जी के पास है। किसके पास में? प्रकाश जी के पास है। प्रकाश जी के पास में। और उम्र में कितना है? हाँ जी, उम्र में, उम्र 5.5 साल का हो गया जी। 5.5 साल का जी। जी भाई, कवरिंग फीस कितनी रख रखी है सर? 51,000 जी। 51,000 जी। जी कितनी क्या घोड़ी मेट करा दी सर अभी तक? घोड़ी तो काफी मेट हो गई है जी, कोई मेरे हिसाब से 22-23 रिजल्ट भी आ गए। रिजल्ट कितने आ गए? 20-22 रिजल्ट आ गए जी। तो क्या मार्किंग वगैरह क्या आ रही है सर रिजल्ट? मार्किंग ज्यादा ब्लेज आ रहा है जी, फुल भी आया लेकिन ज्यादा ब्लेज है। बिल्कुल, दो पैर वाइट, तीन पैर वाइट, अकेला ब्लेज, कान कुन बहुत अच्छा आ रहा बच्चों का। बाकी मेरे को लगता है कि मंडी लगवाने में आपका भी बड़ा प्रयास रहा है ना? देखो जी, असी तो कह लो भी साडा फर्ज भी बनता सी है ना, एफर्ट करना, बाकी सारे भरावां दे सहयोग नाल मंडी लगी, असी कोई कल्ले नहीं है ना। तो बादल साहब आए थे, क्या कह के गए? बादल साहब आए सी जी, बहुत ज्यादा प्यार दे के गए, बड़ा उन्होंने हौसला अफजाई किया है, असी रिणी है उन्होंने। बिल्कुल, बाकी मेरे लगता है आपकी बेटी के नाम पे ही फार्म का नाम रख रखा है ना? हाँ जी, बेटी के नाम पे। बाकी कैसा लग रहा है अभी इस बार मंडी में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, बहुत लोग प्यार दे रहे हैं शान को, बहुत अच्छा। बाकी बादल साहब क्या बोले? वो बस ये कह के गए हैं कि बादल सरकार लेकर आओ और घोड़ों को बचाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट की है, मतलब सरकारी शो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किए, और अगर घोड़ों को अलग लेवल पर लेकर आए हैं तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। तो आप भी जैसे घोड़े वगैरह लेके घुमाने जाते हो तो डर रहता है कि थोड़ा बहुत मन में? नहीं नहीं, कोई डर नहीं रहता हमें, मतलब मुझे समझ होती है कब ये कैसे बिहेव करेगा, ये थोड़ा सा गर्म तो है, अग्रेसिव तो हो जाता है, बट ये बात को बहुत जल्दी समझता है शान, बहुत समझदार घोड़ा है। तो जैसे आपके जैसे और भी जो लड़कियां, उनको क्या कहना चाहोगी आप कि घोड़ा लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छा शौक है ये, तो मतलब ऐसा शौक है जिससे हम बिजी रहते हैं, अच्छा शौक है, फोकस रहते हैं, इधर उधर का ध्यान नहीं रहता, फिर घोड़े के ध्यान घोड़े में ही रहते हैं सारा। तो जैसे आप पढ़ाई वगैरह करती हो अभी है ना जी, स्कूल वगैरह में जाती हो तो कभी बच्चे बोल देते हैं कि बोले यार तुम्हारा तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा आते हैं सोशल मीडिया पे? हाँ हाँ, टीचर्स भी बोल देते हैं, कल परसों टीचर्स आकर भी गए हैं मेरे इधर। फिर तो अच्छे नंबर दे देंगे तुम्हारे को। क्या 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 बोली टीचर आपकी? देखो मतलब उनको बहुत अच्छा फील होता है, वो मुझे पूछते रहते हैं जब भी शान किसी शो में जाता है या कहीं भी जाता है, वो पूछते हैं कैसे रहा, सब कुछ पूछते हैं फिर मेरे से। बिल्कुल, बाकी सर मंडी में इतना क्राउड हो रहा है तो कैसे फिर टैकल कर रहे हो क्राउड को? बस दादी की कृपा जी, संगत आ रही। लगा एक आदमी को मैंने सुबह देखा, वो खंबे पे चढ़ के देख रहा था यार। असि तां जी संगत दे चरणां दी धूड़ है ना, असि तां शुक्र करते हो मालक दा भी इन्ना प्यार दे रही है संगत है ना, संगत दी बदौलत ही असि इत्थे खड़े हैं। बाकी आपको बंदर भी ठीक है, थोड़ा सा क्राउड हटा देता है ना? अच्छा बॉडी गार्ड है, बॉडी गार्ड छोटा है पर भारी है। चलो चलो सर, भाई चलो सर, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि सारे घोड़े मंडी में आते तभी रौनक बनती है ना। ये पहले शो चल रहा था, आज से मेला चल रहा है, आप शायद शो में भी गए होंगे।
बाकी ये है कि बस थोड़ा सा ट्रैक्टर वगैरह मंडी में बंद कर दी, उससे भी मेरे को लगा बहुत फर्क पड़ा है ना। वधिया गल है जी, ये देखो तुसी आपदे टेंट जे पुश करो है ना, डेक लाओ जो मर्जी एंजॉय करो, लेकिन रोड पे लेके रात नु डेक ला के आना उहदे नाल जानवर भी डिस्टर्ब होंदे आ ना, संगत भी डिस्टर्ब होंदी आ, चंगी गल नहीं। आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा गाना सुना जाए है ना, सब एक ही गाना चलाए तो समझ में भी आवे। चलो बाकी कब तक रहने वाले हो सर अभी चलेगा? मंडी में घोड़ा कब तक रहेगा? मंडी के में घोड़ा 16 तारीख तक। 16 तारीख तक चलो, ओके सर, थैंक यू।